हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी पैनुली। आप सभी को मेरा नमस्कार। किचन रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्पंज रसगुल्ला बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं स्पंज रसगुल्ला। जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। स्पंज रसगुल्ला बनाने के लिए हमें गाय का दूध लेना है, जो हमने 1.5 लीटर ले लिया है। 200 ग्राम हमने शुगर ले ली है। आधी कटोरी हमने नींबू का रस ले लिया है। 2 इलायची ले ली है और 2 हमने फूड कलर ले लिए है, पिंक और येलो, 1 पिंच। 1 कप हमने पानी ले लिया है। हमने गैस पर दूध रख दिया है इसे उबालने के लिए। दूसरी पतीली में हम तब तक इसके लिए चाशनी बना देंगे। हमने इसमें शुगर डाल देना है और इसके साथ ही हमें इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसे मेल्ट करेंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इतना पकाना है हमारी चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होने लगी है, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी चाशनी, पतली ही रखनी है। देखिए इसे ढका देंगे, हमारा दूध भी उबल गया है। उबाल आते ही हम इसमें आधी कटोरी नींबू का रस डाल देंगे और इसे घुमा देंगे। हमारा दूध अलग होना शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें से पनीर निकलने लगा है। अब इसे हम छान लेंगे कपड़े में और इसे अच्छी तरह धोना है। हमें 3-4 पानी से धोना है इसे, जो इसमें नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने निकाल दिया है, इसे ढंग से मैश कर देंगे। हमें ऐसे गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं, इसे इस तरह से गूंद लेना है जब तक चिकना ना हो जाए, जिसे आटा होता है वैसी ही गोलियां बनने के लिए करना है। कुछ चिकना कर देना है इसे, जिसके दाने अलग हुए हैं सब इकट्ठे हो जाएं। ये अलग हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है, इसकी गोलियां आराम से बन जाएगी। देखिए हम इसकी गोलियां बनाते हैं, ऐसी बारी बारी करके हम इसकी सभी गोलियों को बना देंगे। देखिए हमारी सभी गोलियां बन गई हैं। हमारी चाशनी भी गर्म है, हमने गैस का फ्लेम कम रखा है। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। एक एक करके हम इसमें अपने सभी गोलियों को डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक ये फूल ना जाए, इनके भीतर तक चाशनी ना चली जाए। ध्यान रखें जो हमने ये गोलियां बनाई है ये गाय के दूध से ही बनानी है, तभी हमारे स्पंज वाले रसगुल्ले बनते हैं। अगर हम गाय के दूध से बनाएंगे, ये फूल गया है हमारा, हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं, इनके भीतर तक चाशनी चली गई है। हम
हमने गैस बंद कर दिया है। अब इन्हें हम निकाल देंगे। हमने एक बड़े बाउल में निकाल दिया है। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रखिए। देखिए कितना जूसी बना है। हम इन्हें बाउल में निकाल देंगे। हम इन्हें और अच्छा कलर देंगे। देखिए हमने निकाल दिया है, हमने तीनों को बराबर कर दिया है। इसमें हम येलो फूड कलर डाल देंगे, इससे देखने में और सुंदर लगेगा। इसके साथ ही हम दूसरे में पिंक फूड कलर डाल देंगे। आपका चॉइस में कोई सा भी कलर डालें, हमें येलो पिंक ही अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना देखने में। देखिए हमने तीनों को एक साथ रख दिया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये काफ़ी जूसी बना है, स्पंजी बना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने व्यूज़ में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।